दोस्तों हाथ धोते धोते थक गया हूँ, हैंड क्रीम भी कभी नहीं लगाया, इसीलिए घर पर है भी नहीं और आजकल कुकिंग सीख रहा हूँ। पर ये सब जब खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या, कभी सोचा है आपने? मेरे ख्याल से हम जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं अपने फ्यूचर को लेके, उनमें से कई सारे फेल हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी हमेशा नए सरप्राइजेस लेके तैयार रहती है। इसी बात पे एक शेर याद आया है, गौर फरमाइएगा। बना रहे थे बड़े बड़े परमाणु, बना रहे थे बड़े बड़े परमाणु, काम कर गया छोटा सा कीटाणु। फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए हेमंत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सरल फाइनेंस। मैं लेकर आता हूँ वीडियोस फाइनेंस के ऊपर, टैक्स के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कोरोना के बाद क्या, कभी सोचा है आपने? वर्क फ्रॉम होम, इकोनॉमी का बुरा हाल, जॉब रहेगी नहीं रहेगी, इंसेंटिव मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, पैसे का क्या, ये सब सवाल हमारे मन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी जरूर दस्तक देते हैं। हमारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि जिंदगी हमेशा नए सरप्राइजेस लेके तैयार रहती है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 7 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिनके लिए हमें तैयार रहना अब इस सिचुएशन में जरूरी हो गया है। ये बातें आपके फाइनेंस से रिलेटेड है। आज के सिचुएशन को देखते हुए इनको इग्नोर करके बिल्कुल भी नहीं चल सकते। कुछ प्रैक्टिकल बातें, कुछ जिंदगी की सच्चाइयां मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में और पूरी की पूरी 7 बातें तो ध्यान से जरूर सुनिएगा, ताकि इन बातों को ध्यान में रख के आप अपना फ्यूचर और प्रेजेंट सही ढंग से प्लान कर सको। तो काउंटडाउन बिगिन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इमरजेंसी के लिए कैश जरूर अपने पास रखें। इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, बिना दस्तक दिए आ सकती है, इसीलिए अपने पास में इमरजेंसी कैश या लिक्विड मनी जरूर रखिए, ताकि जरूरत पड़ने पे इमिडिएटली आप उस कैश को अपने पास रख सकें और इस तरह के इमरजेंसी वाले सिचुएशन में आप उस पैसे से अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकें। दूसरी बात दोस्तों, तैयार रहिए कोरोना के बाद पे कट के लिए। अगर आप जॉब में थे और आपको अच्छा खासा इंसेंटिव मिलता था, तो हो सकता है कि अब इंसेंटिव उतना ना मिले या बिल्कुल भी ना मिले। और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके प्रॉफिट कम हो सकते हैं, उनका काम कम हो सकता है, उनकी सेल्स कम हो सकती है, क्योंकि आज बहुत लिमिटेड लोग काम कर रहे हैं और मेजॉरिटी लोग अपने घर पर हैं, काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो नियर फ्यूचर में इन बातों के लिए अगर हम पहले से तैयार रहे तो तकलीफ कम होगी। तीसरी बात दोस्तों, कोशिश करके उधार की जिंदगी को कम करिए या जीरो करिए। आज जीरो करना तो बहुत मुश्किल है, हर किसी का किसी ना किसी तरह का लोन जरूर चल रहा होता है, चाहे वो घर का लोन हो, चाहे वो गाड़ी का लोन हो, चाहे पर्सनल लोन हो। जितना कम हमारा लोन रहेगा उतनी चिंताएं हमारे सर पे कम रहेंगी। चौथी बात, हो सकता है इस सिचुएशन इतनी बिगड़ सकती है कि हमें कुछ अपने एसेट्स बेचने पड़े, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो हमारा कीमती सामान हो किसी तरह का, चाहे शेयर्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो। आज कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि आगे क्या होने वाला है, पर मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूं कि इन सब सिचुएशंस के लिए अपने आप को अगर हम मेंटल प्रिपेयर कर लेंगे तो आने वाले टाइम में हमें बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा हमारे ऊपर में। पांचवी बात मैं ये बताना चाहूंगा, हो सकता है हमने अपने फ्यूचर के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ फंड इकट्ठा किए हों लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए, पर हो सकता है हमें फंड्स की जरूरत पड़ जाए, तो हमें हमारा जो रिटायरमेंट का फंड है या फ्यूचर किसी गोल से रिलेटेड कोई फंड है, तो हमें हो सकता है वो आज तोड़वाना पड़े अपनी जरूरत के अनुसार। छठी बात, नए अपॉर्चुनिटीज के लिए आंखें और कान खुली रखिए। जो आप कर रहे हैं वो तो करना ही है, और साथ में कोशिश करके कुछ नए स्किल डेवलप करिए, कुछ हॉबीज डेवलप करिए। बचपन में कुछ हॉबीज आपने शायद कुछ अधूरी छोड़ दी होंगी, तो उन हॉबीज को डेवलप करिए, ताकि आप अपना समय इन चीजों में आसानी से बिता सकें। कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखे, कुछ पार्ट टाइम जॉब का ऑप्शन मिले, कुछ ऑनलाइन करिए, ताकि आप अपने रेगुलर इनकम को पैसिव इनकम से सपोर्ट कर सकें। और लास्ट में मैं बताना चाहूंगा, इस सिचुएशन के बाद जब सिचुएशन ठीक होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि हर किसी में आपको एक चेंज नजर आए। समय हर जख्म भर देता है, कुछ लोग तो ये भूल जाएंगे बड़ी जल्दी। तो दूसरे लोगों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि अगर हम उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन और उम्मीद रखेंगे और वो उस उम्मीद पे खड़े नहीं उतरेंगे, तो तकलीफ हमारे को ही होगी। तो फ्रेंड्स, इन 7 बातों का ध्यान रखिएगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आने वाले टाइम को आप हंसते खेलते आराम से पार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।